जीत के साथ अपने न्यूजीलैंड दौरे का आगाज करने वाली टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी और फिर इसी महीने टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। मगर टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही विराट कोहली की टीम को हार्दिक पांड्या के रूप में करारा झटका लगा। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए। अब टीम उनके बिना ही क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में मेजबान को चुनौती देगी। दरअसल हार्दिक पांड्या बैक सर्जरी के बाद मैच के लिए पूरी तरह से अपनी फिटनेस को साबित नहीं कर पाए। पिछले साल अक्टूबर में 26 साल के पांड्या ने पुरानी समस्या के लिए सर्जरी करवाई, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वापसी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाया और अब वो बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपना रिहैब प्रोग्राम जारी रखेंगे। पांड्या एनसीए हेड फिजियो आशीष कौशिक के साथ लंदन गए हैं, जहां स्पाइनल सर्जन डॉक्टर ड्रीम्स लिबॉन ने उनकी चोट की समीक्षा की थी। और अब हार्दिक की वापसी पर भी ब्रेक लग गया, वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में भी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।